नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अहम सवालों पर चर्चा करने वाला हूँ, इसलिए आज के इस वीडियो को पूरे देखना। खास करके वो जो अपने रिजल्ट से ना खुश है, उनके लिए आज के इस वीडियो में सारे के सारे जो डाउट है वो कम्प्लीट करने वाला हूँ। सबसे पहला डाउट जो आपका ये है कि री चेकिंग करवाए या री टोटलिंग करवाए या कॉपी की प्रति यानी कि छाया प्रति घर पर मंगवाए। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आज के इस वीडियो में आपको देने का प्रयास करूंगा पूरा 101%। दूसरे बार मैं ट्राई करूंगा कि जिनको सप्ली भी आई है ना, जिनको सप्ली आई है सब्जेक्ट में, क्या वो रीचेकिंग करवाए या सप्ली का एग्जाम दे, क्या करें। ओके, उसके बाद में बात करने वाला हूँ क्या, उसके बाद में बात करूंगा कि आप सभी को रीचेकिंग करेंगे और रीटोटलिंग करेंगे, क्या एमपी बोर्ड में रीचेकिंग हो सकती है या नहीं। चलिए सवालों को जवाब देता हूँ, उसके बाद एक दो सवाल और आएंगे तो उनका जवाब मैं बाद में देने का प्रयास करूंगा अगर मन में आए तो। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीचेकिंग और रीटोटलिंग की। सबसे पहले प्राइस की बात करता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझे कॉमेंट करके बोला था कि गूगल पर हमें 500 रुपये बता रहे हैं, तो क्या 500 लगेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो प्राइस फिक्स की गई है, जो कीमत निर्धारित की गई है, वो है 200 रुपये रीटोटलिंग के और 250 रुपये छाया प्रति घर मंगवाने के। लेकिन अगर आप एमपी बोर्ड जाएंगे और एमपी बोर्ड नहीं, एमपी ऑनलाइन जाएंगे और एमपी ऑनलाइन से ही ये संभव है, अन्यथा आप सभी अपने मोबाइल से ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप सभी, अगर एमपी ऑनलाइन वाला उसके कंप्यूटर से कुछ करेगा है ना, आप सभी को फॉर्म वगैरह भरेगा वो रीचेकिंग वगैरह के लिए, तो वो उसका भी चार्जेस लेगा, उसका अलग से 50 रुपये निकाल सकता है वो, तो 250 की जगह हो सकता है 300 रुपये बता दे, उसका वो कंफर्म करके बताएगा, इसलिए आप सभी उससे पूछिएगा। हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा बिजी हो तो वो भी निकाल सकता है, वो उसके ऊपर निर्धारित करता है कि भाई साहब वो कितना लेता है। ठीक है, ये बात हो। अब मैं बात करता हूँ कि आखिर आपको रीचेकिंग करवाना है, रीटोटलिंग करवाना है, छाया प्रति घर पर मंगवाना है। तो देखिए, एमपी बोर्ड में रीचेकिंग नहीं होती। रीचेकिंग का मतलब समझ लीजिए, रीचेकिंग का मतलब होता है कॉपी को पूरी देखना, क्वेश्चन आंसर कैसे लिखे हैं और उसको फिर से जांचना, वो होती है रीचेकिंग। और रीटोटलिंग यानी कि उसमें जो नंबर दिए है उसको फिर से टोटल करके कुल उसका जो योगफल है उसको जो वो जोड़ जाता है फिर से, कि भाई साहब इसको हो सकता है कभी पेज एक साथ दो पेज चिपक गए, हो सकता है टोटलिंग करने में थोड़ी सी भूल चूक हो गई हो, तो उसको फिर से रीटोटलिंग कर लेते हैं और इसको रीटोटलिंग बोला जाता है, टोटलिंग। ठीक है, अब बात करते हैं कि छाया प्रति घर मंगवाए, रीटोटलिंग करवाए, रीचेकिंग करवाए। तो देखिए, मैं आपसे बता दूं, अगर आप सभी छाया प्रति घर पर मंगवाते तो उसका प्राइस तो है थोड़ा सा ज़्यादा, 50 रुपये ज़्यादा है उसके। लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर आप सभी छाया प्रति घर पर मंगवाते हो तो आप सभी की रीटोटलिंग पहले ही कर ली जाती है और फिर आपको उसकी छाया प्रति दी जाती है। और फिर अगर आप, अब मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर छाया प्रति घर पर मंगवाने का क्या क्या फ़ायदा है ना। अब देखिए, एक बात बता दूँ, रीटोटलिंग ही होगा, रीचेकिंग नहीं होगा। ठीक है, बात फिक्स है, एमपी बोर्ड में रीटोटलिंग ही होता है, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ छाया प्रति की। छाया प्रति अगर आप घर पर मंगवाते हो तो देखिए क्या होगा, एक तो आप सभी अपने पूरे के पूरे आंसर देख सकते हो खुद अपनी आंखों से, संतुष्टि पा सकते हो। उसके बाद देखिए, आप सभी या तो आप सभी पोर्टल पर जाकर के शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर आप सभी को आंसर में पूरे नंबर नहीं मिले, आप सभी ने पूरा आंसर लिखा है लेकिन आप सभी को आंसर के पूरे नंबर नहीं मिले, तो आप सभी क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो उस क्वेश्चन के आंसर में कि ये आंसर मैंने पूरा लिखा है, फोटो खींच के। उसका प्रोसेस मैं बता दूंगा बाद में क्या कि क्या करना है, कैसे करना है, तो उसमें कुछ ना कुछ समाधान जरूर होगा। आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं करना है कि डायरेक्टली आप सभी कोर्ट विजिट करने चले गए, यार कोर्ट विजिट नहीं करना है। ठीक है, उसमें आप सभी का फायदा नहीं होगा। तो ये बात हो गई, आप सभी क्या करवाना है, छाया प्रति घर पर मंगवानी है, उसमें आपका फायदा है। रीटोटलिंग करेंगे उसमें थोड़ा कम चांसेस होता है कि आप सभी के नंबर बढ़ जाए, समझ रहे हो, नंबर बढ़ जाए उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। अब मैं बात करता हूँ, किसकी बात कर रहे थे अभी अपन, क्वेश्चन थोड़ा माइंड चला गया है। तो अब मैं बात करता हूँ सप्लीमेंट्री एग्जाम, अगर सप्लीमेंट्री एग्जाम आप देना चाहते हो तो क्या रीचेकिंग भी करवा सकते हो, रीटोटलिंग या छाया प्रति घर पर मंगवा सकते हो,
तो मेरा सीधा सा जवाब है कि आप सभी को फुल कॉन्फिडेंस हो कि मैंने पूरा कॉपी अच्छा लिखा था, पूरा का पूरा जो पेपर मेरा अच्छा गया, फिर भी मेरे कम नंबर आए। आपकी जो मांग थी, आपकी जो उम्मीद थी, वो थी कि 60 आ जाएंगे, 70 में से 65 तो आ ही जाएंगे। और आप सभी को मान के चलो भैया 40 भी नहीं मिले, 35-30 पर ही आपको रख दिया। फिर आप रिटोटलिंग, रीचेकिंग या छाया प्रति घर पर डिलीवर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको पहले से ही आशा नहीं थी, आपने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े, उसके बाद भी ऑब्जेक्टिव गलत भी हो सकते हैं, फिर आप सभी अगर उसमें फेल हुए हैं या फिर उसमें सप्ली आई है, तो फिर आपको रीचेकिंग, रीटोटलिंग या छाया प्रति डिलीवर नहीं करवाना है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लिखा है वो उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो फिर आप सभी करवा सकते हो। ओके, मेरा सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दोगे तो उसके लिए अभी से तैयारी में लग जाइए फॉर्म भरवा करके, ठीक है, ताकि आप सभी क्या कर पाए, जो भी सब्जेक्ट में आपको सप्ली आई है उसमें आप सभी पास कर पाए। ट्वेल्थ में 5 सब्जेक्ट अगर आपको है तो एक में ही सप्लीमेंट्री आ सकती है, सप्लीमेंट्री के बाद आप सभी रुक जाना नहीं भी देख सकते हो। अगर आप सभी फेल हुए हो तो फिर आप सभी रीचेकिंग भी करवाइए, हो सकता है पास हो जाए, बहुत सारे पास होते हैं रीचेकिंग से, है ना, या रिटोटलिंग जो भी ऑप्शन आ जाए वहाँ पर, हो सकता है इस बार रीचेकिंग का भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रीचेकिंग में नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपसे को बता दूँ, ये जो परिणाम है परीक्षा का, कोई आगे आपसे को काम नहीं आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कॉलेज मिलने तक ही काम आ सकता है, कॉलेज मिलने तक ही सहायक है। अगर आप सभी को अच्छा कॉलेज चाहिए कि अच्छी जो कॉलेज है उसमें, अच्छा विश्वविद्यालय उसमें आप सभी पढ़ाई करें, तो फिर आप सभी को रिजल्ट अच्छा चाहिए था। लेकिन अगर आप सभी चाहते हैं, आप सभी का कॉन्फिडेंस है कि यार रिजल्ट जो है ना ये मेरे को नहीं रोक सकता, मेरा जो सपना है, मेरा जो गोल है उसको अचीव करने से, मेरा लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करने से, ये इतनी सी बड़ी जो रिजल्ट है, इतनी सी बड़ी जो मार्कशीट है, ये मुझे नहीं रोक सकती। और आप सभी क्या कीजिए, अगर आप सभी का रिजल्ट ख़राब आया ना, तो आप सभी कम बैक कीजिए, उठिए, कम बैक कीजिए, अपने अंदर से कुछ मोटिवेशन भरिए कि नहीं यार, हो सकता है कि मुझे कुछ और मेहनत करनी पड़े, मुझे कुछ और ज़्यादा परिश्रम करना पड़े, मुझे और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और आप सभी जिस टाइम आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सभी UPSC का एग्ज़ाम फोड़ेंगे ना, या आप सभी किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम फोड़ेंगे बड़ा सा, और फिर जब आपकी जॉब लगेगी ना, कोई नहीं देखेगा यार इस मार्कशीट को, कौन देखता है, पूछता है भाई साहब क्या कर रहा है अभी, दोस्त लोग देख लो, चाहे किसी को देख लो, आपसे कोई नहीं पूछेगा आपसे कि रिजल्ट में कितने नंबर है, पूछेगा इस टाइम पूछेगा, फिर बाद में सब भूल जाएंगे। हाँ, अगर आपसे भी अच्छे नंबर आएंगे तो ये बात है कि सपोर्ट ज़्यादा रहेगा सभी का, कि हाँ आपको थोड़ी जो मुसीबत है उनका सामना कम करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, आपकी जो घर की सिचुएशन है, आपकी जो परिस्थिति है, उसको कोई नहीं देखेगा कि आप किस परिस्थिति में पड़े हैं, किस परिस्थिति में आपने ये तैयारी की थी और किस परिस्थिति में आपने इतने नंबर लाए। उस परिस्थिति को आप जानते हो, अपने आप को आप जानते हो, या मुझको, मैं खुद जानता हूँ कि मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है पूरे साल भर, और मेरा रिजल्ट किस लिए ऐसा आया है, है ना। तो खुद से खुद का फैसला लीजिए, खुद से खुद को मोटिवेशन दीजिए, खुद से खुद को मोटिवेट कीजिए, बाकी कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और प्रेस कर लें।